जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, पिछले कुछ दिनों से आपको अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन निरंतर फेसबुक पेज पर मैं जितनी भी अपडेट होती है वो सारी पोस्ट करता रहता हूँ, चाहे वो आपकी एग्जाम की डेट शीट हो, चाहे वो आपका कोई भी न्यूज हो, चाहे आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, तो वो सब सारी न्यूज मैं आपको फेसबुक पेज पर अपडेट करता रहता हूँ। क्योंकि साथियों, थोड़ा सा समय का अभाव है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। तो यदि आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी अपडेट मिलती रहती हैं। और साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको बीएड करना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आए हुए हैं, आप अपना एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर लीजिएगा। 3 मार्च तक आपके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसके बाद में फिर आपकी लेट फीस के साथ में 10 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप इंतजार में मत रहिएगा कि 10 तारीख के बाद में भी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हो सकता है डेट आगे ना बढ़े, क्योंकि सरकार को अपना जल्द से जल्द सेशन शुरू करना है। और इसके जो एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो भी डेट तय कर दी गई है, वो भी आपका अप्रैल में होने वाला है, यानी कि अप्रैल के लास्ट में 24 अप्रैल के आसपास टेंटेटिव डेट दी गई है। तो यदि आपको बीएड करना है, आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आप अपना, यदि आपने पीजी किया हुआ है उसमें 50% मार्क्स है तो भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको एजुकेशनल अपडेट के लिए, आप मेरा जो फेसबुक पेज है उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।